जो 10 बार फेल होगी 11वीं बार पास हो गए, ऐसे भी काफी लोग हैं ना, तो आप उनको क्यों नहीं देख रहे हो? हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फेलियर के बारे में। फेलियर क्या होता है? देखो, आप लाइफ में जितने भी चीजें करते हो, उन काम को करते समय आपका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, राइट? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ मोटिव है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। जिस भी गोल को लेकर के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उस गोल को, ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा सक्सेस कर जाओगे, कभी कभी आप फेल भी हो सकते हो। तो जो भी सारी चीजें वहां पर होती है, अगर आप अपने लाइफ के गोल को हासिल करते समय फेल हो जाते हो तो आप आपको कैसे डील करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले कि फेलियर को कैसे ओवरकम किया जाए। देखो क्या होता है ना, आपका राइट नाउ अभी कोई ना कोई गोल होगा, जैसे कि आपको स्टडीज करके कुछ बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, कोई आपका बिजनेस है और उस बिजनेस को आपको एक लेवल पे लेके जाना है। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, आप कोई जॉब करते हो, जॉब के दौरान आपने सोचा कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, पैसे को सेव करना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, इसमें डालना है, और फिर मेरा गोल है कि मुझे अपना घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे अब्रॉड जाना है, फलाना ढिमकाना, जो भी आपका गोल होता है, तो उस गोल को पाने के समय आप उसके टूवर्ड अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो और इस मेहनत के दौरान कभी कभी आप फेल भी कर जाते हो, है ना? तो उस फेलियर को कैसे हम ओवरकम करें, उसके बाद हम कैसे फिर उठ करके खड़े हो जाए। राइट नाउ जो भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें से काफी लोग होंगे जो कभी ना कभी लाइफ में फेल किए होंगे या फिर अभी किसी कारण की वजह से फेल हो गए होंगे, इसलिए आकर के वीडियो देख रहे हैं। तो ध्यान से समझो, क्या आप इससे पहले कभी फेल नहीं हुए थे? क्या आप स्कूल के टाइम पे जब आप एग्जाम लिखते थे, क्या हमेशा सारे सब्जेक्ट में पास हुए हो? क्या नहीं ना, कभी ना कभी फेल भी कर गए। तो क्या एक सब्जेक्ट की फेल होने की वजह से आपको वो पूरा साल आपका बर्बाद हुआ है क्या? नहीं, आपको फिर भी अगले साल में डाल दिया है, प्रमोट कर दिया है। सो इससे समझ में क्या आता है कि आप लाइफ में एक जो छोटी छोटी चीजों से अगर आप फेल हो जाते हो तो वहाँ पे आपकी लाइफ रुकती नहीं। अगर रुकनी होती तो वो क्लास में आप रुक जाते ना। अगर मान लो आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप सिक्स में नहीं आए, ऐसा होता ना अगर ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती तो। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आपकी लाइफ में जब भी फेलियर आता है तो फेलियर आपको फेल करने के लिए नहीं आता है, वो आपको सिखाने के लिए आता है कि भाई तुमने ये चीज गलत तरीके से की थी इसलिए तुम फेल हो गए। फेलियर का हमेशा कोई ना कोई रूट कॉज होता है ना, ऐसी थोड़ी कोई फेल कर जाएगा। मान लो आपको सीए बनना है और सीए की एग्जाम आप फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? बिकॉज आपको क्वेश्चन सही से नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो उसका कोई ना कोई रीजन है ना, रीजन नहीं कह सकते, कॉज कह सकते, उसका कोई ना कोई कॉज है ना कि आपने स्टडीज सही से नहीं किया इसलिए आप फेल हो गए। कॉज है तो उसका इफेक्ट भी दिखेगा। उसी तरह अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, क्या है ना, लक, अगर आपके माइंड में भी आ रहा है कि लक का कोई फैक्टर होता है, तो लक का फैक्टर ऐसा मेरे को पर्सनली तो नहीं लगता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही माइनर फैक्टर होता है लक का। ज्यादा फैक्टर होता है या फिर ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर है कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रांगली मेहनत कर रहे हो, आप कितना अपना 100% दे रहे हो अपने काम के दौरान। यानी एक तरह से आपका बिजनेस है तो बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को ग्रो करने में आप कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हो। मान लो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, तब तो आप फेल ही कर जाओगे। जैसे कि आपने सोचा कि मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और इतने इतने अमाउंट में बिक रहा है तो मेरा भी इतने में बिकना चाहिए, जबकि मैं नया नया हूँ फिर भी मेरा इतने में बिकना चाहिए, तब तो ये स्ट्रैटेजी गलत है ना। आपको उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ देना पड़ेगा जो और लोग नहीं दे रहे, और ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा जो औरों से एक तरह से से कम रेट का आपको प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा, प्लस आपको सर्विस भी वैसी देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका वो प्रोडक्ट आने वाले टाइम में या फिर इन फ्यूचर चलने वाला है, तब आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा बिजनेस ग्रो करना चाहिए लेकिन मुझे मेहनत कुछ करनी नहीं, प्लस आपने क्या करना है यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट पे भी काम करना है, राइट? आपको एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है, तब जाकर के आपका बिजनेस वहाँ पे ग्रो करेगा। सो द थिंग इज, ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, आपके फेलियर के पीछे काफी रीजन होते हैं या फिर काफी कॉज होते हैं, ये पर्टिकुलर कॉज की वजह से आपका बिजनेस फेल कर गया, इस चीज को पहले समझो आप। ओके, सो फेल तो हो गए, अभी क्या करोगे? आप क्या रोते बैठोगे? देखो, रोना इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फेलियर। फेलियर हुआ तो उसे सीखो कि आपने कहां गलती की, और उन गलतियों को सुधारो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई स्टेप लोगे वो टाइम पे, राइट? यानी अगर आपका एक बिजनेस फेल कर गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर से बिजनेस ही मत करो, बिजनेस करो। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में मान लो आपका पैसा कहीं डूब जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कभी पैसा ही नहीं कमाओगे कि नहीं पैसा तो डूब गया, आगे से मैं पैसा कमाऊंगा ही नहीं, तब तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। सो द थिंग इज, फेलियर को हमेशा ऑप्टिमिस्टिकली लो, पैसिमिस्टिकली मत लो। क्या होता है ना, हम जब फेल हो जाते हैं तो हमारा मॉरल पूरा डाउन हो जाता है वहाँ पे। हम सोचते हैं कि यार मैं फेल हो गया, जैसे कि मान लो रिलेशनशिप में फेल हो गए, तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में फेल हो जाते हो, आपने मान लो किसी के पीछे 4-5 साल लगा दिए और वहाँ पे जाकर के अगर आप फेल हो जाते हो, तो आप सोचते हो कि आगे से मैं प्यार करूंगा ही नहीं, या फिर आगे से मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, अपनी सारी जिंदगी आपने किसी के पीछे लगा दी, तो आप सोचते हो कि नहीं यार वो नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हो यार, जिंदगी है, लाइफ इतनी बड़ी है, तो इतनी लाइफ बड़ी लाइफ में काफी लोग आते रहते हैं, फेलियर तो हार जीत चलती रहती है, सक्सेस फेलियर होता रहता है, उसके पीछे मत पड़ो या फिर उसको लेकर के मत बैठो कि मैं फेल हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, अब मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं देवदास बन गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, फलाना ढिमकाना। देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं आज की तारीख में, अगर आपको पता है
तो वो बहुत बड़ी लेवल अचीव करने के बाद भी फेल हो चुके हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं, 10 बार फेल हो गए, 11वीं बार पास हो गए, ऐसे भी काफी लोग हैं ना, तो आप उनको क्यों नहीं देख रहे हो? व्हेन इट कम्स टू विजन, तो आपको हमेशा ऊपर देखना चाहिए, एंड व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, आपको हमेशा नीचे देखना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम अपने आप को अपने से नीचे लोगों से कंपेयर करेंगे ना, तो हम अपने आप को उनसे अच्छा पाएंगे, नहीं भाई मेरी लाइफ उससे तो बेटर ही। अगर हम अपने से ऊपर वाले लोगों को देखेंगे ना, तो हम अपने आप को हमेशा अपने बारे में बुरा सोचेंगे कि नहीं यार उसके पास तो वो है, मेरे पास तो ये छोटी चीज़ें, यानी उसके पास तो 4-व्हीलर है, मेरे पास तो 2-व्हीलर है। बट आप साइकिल वाले को तो देखो ना, आप उससे तो काफी बेटर हो ना। तो व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, आपको हमेशा नीचे देखना है, एंड व्हेन इट कम्स टू विजन, आपको हमेशा ऊपर देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका विजन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, आप हमेशा ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। करोड़ के बारे में सोचोगे तब तो लाख कमाओगे, लाख के बारे में सोचोगे तब तो हजार कमाओगे ना। ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे महीने के 10,000 मिल गए तो काफी हो गया, मैं तो खुश हो गया, ऐसा मत सोचो। अरे भाई लाखों के बारे में सोचो, तब जाकर तो हजारों आएंगे ना पास। इन शॉर्ट आपका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटी सी हार को लेकर के रोते मत बैठो, अरे मैं हार गया पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे उठो भाई, फिर से उठो और खड़े हो जाओ। आप कुछ तो क्या नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज आप कर सकते हो अपने लाइफ में। एक रिलेशनशिप फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार करने का हक नहीं या फिर आपको रिलेशनशिप में जाने का हक नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लाइफ के किंग हो, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो, और जितना भी लाइफ में आगे बढ़ना है बढ़ सकते हो। देन रिलेशनशिप हो, देन आपका यू नो बिजनेस हो, किसी भी तरह से आप लाइफ में कभी भी फेल होते हो तो फिर से उठ करके खड़े हो और अपने आप को फिर आगे बढ़ाओ। एक अपने आप को नया विजन दो कि नहीं मुझे अपने लाइफ में ये करना है वो करना है, बट बशर्ते किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, यू नो अपने फायदे के लिए कभी भी किसी का नुकसान मत करो। कुल मिला के अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, एंड जो भी सारी चीज आपको लगता है कि पता नहीं यार मैं फेल हो गया तो अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ आपको हमेशा एक नया चांस देती है, नया मौका देती है, तो उस मौके को पकड़ के रखो। देखो क्या है ना, नॉर्मल गेम की बात करें तो उस गेम में क्या है, आप अगर हार गए तो आप गेम छोड़ सकते हो कि चलो मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ घर पे, जा रहा हूँ मुझे नहीं खेलना है। बट जो जिंदगी का गेम है, जो लाइफ का गेम है ना, वहाँ पे आप फील्ड छोड़ के नहीं जा सकते, वहाँ पे आप गेम छोड़ के नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको खेलना ही पड़ता है कंटिन्यू। आप ये नहीं कह सकते कि यार छोड़ मेरे को नहीं खेलना है। अगर आप कभी फेल होते हो तो फिर से उठ करके खड़े हो जाओ, बिकॉज जिंदगी आपको रोज एक मौका देती है, समझो इस चीज को ध्यान से। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप अपनी नजरों में नहीं हार जाते। अगर आपने खुद को हरा दिया ना, तभी आप हार जाते हो, कोई आपको हरा नहीं सकता कभी। किसी कंपटीशन के अंदर जब आप रेस करते हो ना, जैसे मान लो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, वो जो रेस है उस रेस में आपका कोई भी कंपेटिटर नहीं है सिवाय आपके अपने, आपको हराना किसको है, खुद को हराना है। इस बार आपको 30% लाना है, 40% लाना है, 50% लाना है, जो भी है, यानी कुल मिला के आपको अगर हराना है तो खुद को हराना है। आपकी रेस है तो खुद से है, आप जो कल थे आपको उससे बेटर बनना है। तो आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी यू नो रेस या फिर मेरा कंपटीशन ये सारे पूरी दुनिया है, नहीं भाई आपका कंपटीशन कोई नहीं है सिवाय आपके अपने, आप खुद अपने कंपटीटर हो, आपको खुद को हराना है और उसके बाद आप खुद जीत जाओगे। तो इस बात को ध्यान से समझो, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को हराना है ताकि आप खुद जीत पाओगे। तो जिंदगी में जब भी आप फेल होते हो तो उसको पैसिमिस्टिकली मत लो, उसको ऑप्टिमिस्टिकली लो। ध्यान से समझो आपने क्या गलतियां करी जिस वजह से आप फेल हो गए, तो फिर से वही चीज करो, यानी वही काम करो या फिर जो भी आपको दूसरा काम करना है तो करो, और उन गलतियों को रिपीट मत करो। राइट, गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, गलतियां हर इंसान करता है, और गलतियां तब तक ही करता है जब तक उसको पता है कि वो गलत नहीं है। अगर आप जो भी काम करते हो, आपको थोड़ी पता वो गलत है, पता होता तो आप क्यों करते। राइट, तो जब आपको पता ही नहीं है कि वो काम करना गलत है तो वो गलती कैसे हुई, तब तो आपने सीखा ना, आपको पता नहीं था, पता चल गया कि ऐसे करने से नहीं होने वाला है। जैसे कि इनका एग्जाम्पल लो, इसका वो बल्ब किसने बनाया था, क्या नाम था उनका, जो भी था अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब उनको वो बल्ब बना रहे थे, तब उनको हजार बार उन्होंने बल्ब बनाया और हजार बार फेल हो गया, तब उनको किसी ने बोला कि भाई हजार बार बना रहे हो, क्यों बार बार फेल हो रहे हो, तो नहीं हो रहे तो छोड़ो मत बना। उन्होंने बोला भाई मेरे को हजार बार जब फेल हो तो मेरे को ये पता चला हजार तरीके से बल्ब नहीं बनने वाला है, तो मुझे अपने बल्ब को बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या वो हार माने क्या उन्होंने, नहीं, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो ना, साइंटिस्ट कभी हार नहीं मानता है। एक्सपेरिमेंट करना अलग बात होती है, बट जो नई नई रिसर्च होती है ना, तो रिसर्च करते रहे साइंटिस्ट हमेशा नई नई चीजों के बारे में सोचते रहते, और वो रुकता नहीं वहां पे, जो रुक गया वो साइंटिस्ट नहीं है, वो और डीप में जाएगा, ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, दैट इज व्हाट द साइंटिस्ट का वर्क। तो क्या वो कभी हार मानते कि नहीं मानते, तो आप क्यों हार मान रहे हो, समझो ध्यान से। अपने आप को हमेशा ऑप्टिमिस्ट रखो, अपना विजन हमेशा ऊंचा रखो, हमेशा ऊपर के बारे में सोचो, ज्यादा यू नो लंबा सोचो, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचो, तो आपके साथ चीजें भी अच्छी होंगी। आप फेल इसीलिए कर जाते हो जस्ट बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, तो स्ट्रैटेजी को चेंज कर दो ना, सेम चीजों को रिपीट क्यों कर रहे हो। अगर सेम चीजों को रिपीट करोगे तो रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है ना। अगर आप चाहते हो कि बेहतर रिजल्ट, तो बेहतर सोचो, बेहतर तरीके से चीजों को करो, तो रिजल्ट भी सही आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ सीखा होगा, जो भी आपको फेलियर को कैसे ओवरकम करना है अगर आपने सीखा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून्ड।